अहमदनगर शहराच्या नावाने सुरू झालेल्या अल कुबा व अल फैजान टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स तर्फे हज व उमरा टूर्स यात्रासाठी जाणाऱ्या 29 यात्री घेऊन सौदी अरबला रवाना झाले आहे. सौदी अरब मध्ये पवित्र स्थान मक्का मध्ये नमाज पठण करून तिथे प्रार्थना करण्यात येणार आहे. सौदी अरेबिया येथे मक्का मध्ये 15 दिवस व त्यानंतर मदिना येथे राहून नमाज पठण करण्यात येणार आहे, तसेच प्रार्थना देखील करण्यात येणार आहे. या दोन्ही शहरात राहण्याची व खाण्याची चांगल्या पद्धतीची व्यवस्था टूर्स अँड ट्रॅव्हल तर्फे करण्यात आली आहे. यावेळी बोलताना संचालकांनी अधिक माहिती देखील दिली आहे. हमने जो अल फैजान अल कुबा जो टूर्स एंड ट्रैवल्स चालू किया है, माशाल्लाह जो अपना पहला ग्रुप जो रवाना हो रहा है 23 अक्टूबर का, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 30 हजाज इकराम माशाल्लाह मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह. और अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट रहेंगे इंशाल्लाह जद्दा के लिए, फिर मक्का आएंगे इंशाल्लाह. और इंशाल्लाह मक्का में आने के बाद जो हमारी होटल रहेंगे वो इंशाल्लाह 1000 मीटर पर इंशाल्लाह होटल रहेंगी, जो बस सर्विस रहेंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. और इसमें मदीना में भी करीब में होटल रहेंगे इंशाल्लाह. ये जो पैकेज है अपना, ये अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो पैकेज है ये इकोनॉमी वाला पैकेज है. और इंशाल्लाह अपना हर महीने में पैकेज रहेंगे इंशाल्लाह. और अभी अगले महीने का जो नवंबर का जो पैकेज है इंशाल्लाह, उसमें भी अभी इकोनॉमी पैकेज है और डिलक्स पैकेज भी है जो 70 हजार का है, और जो डिलक्स पैकेज है वो 82 हजार का है इंशाल्लाह. तो हमारी जो है हुज्जत इकराम की हमारे दिलों से ये है तो उनकी खिदमत हम अंजाम देंगे इंशाल्लाह, पूरी पूरी खिदमत देने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू. आज हमारा अल फैजान अल कुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स का यहाँ से अहमदनगर शहर से ग्रुप जा रहा है, पहला ग्रुप है जो 23 तारीख को कल सुबह में बॉम्बे से निकलकर जद्दा जाएगा उम्रे के नियत के साथ में. और यहाँ से हम तकरीबन 42 अफराद को लेकर जा रहे हैं. ये पहला ग्रुप है अहमदनगर शहर से. मैंने जो आपके सामने अभी आयत पढ़ी है इसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया और उलमा से सुना है जिसका मफहूम है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम मेरी नियामतों की शुक्रगुजारी करोगे, मैं नियामतों में इजाफा करूँगा. तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, करम है कि हमारी पहली कोशिश को ही अल्लाह ताला ने इतनी उसको क्या बोलेंगे फरोख दिया है. और अल्लाह के फजल से ये बड़ी कामयाबी के साथ में ये ग्रुप यहाँ से रवाना हो रहा है. आप तमाम भी इसी तरीके से अल्लाह के फजल से और हम सब की दुआओं का साथ भी रखिए और आइंदा हमें खिदमत का मौका भी दीजिए. या आइंदा ऐसे ही ग्रुप यहाँ से अहमदनगर से अल फैजान अल कुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से रवाना होते रहेंगे. आप अपने जितने भी हुज्जाज इकराम को वहाँ पर भेजना चाहते हैं हमसे राबता करें, इंशाल्लाह आपकी बड़ी खिदमत की जाएंगी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं हाजी एजाज, हमारा टूर अल फैजान अल कुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से आज पहला ग्रुप हमारा अहमदनगर से उमरा के लिए रवाना हो रहा है, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अहमदनगर शहर से 30 हाजी और अतराफ के मिला के ऐसे पूरे 40-42 हाजी है जो पहला ग्रुप जा रहा है हमारा. हम ये हाजियों को लेकर के मक्का इंशाल्लाह कल सुबह जो फ्लाइट से रवाना होंगे. और मक्के के अंदर हमारी होटल जो है ये हरम से नज़दीक यानी कि 1000 मीटर के ऊपर है, जहाँ से बस सर्विस है इस इकोनॉमी ग्रुप की. और ये ग्रुप हम ले जा करके इनके साथ में हम सब वहाँ पर साथ में रहेंगे, हम तीनों भी अल्हम्दुलिल्लाह. और इनको सब चीज़ की ज़्यारतें कराएंगे वहाँ पे, इनकी अच्छे से खातिर करेंगे, अच्छे इनकी खिदमत करेंगे इंशाल्लाह. और इनको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे इंशाल्लाह हाजियों को. और ये ऐसे ग्रुप हमारे हर महीने होंगे इंशाल्लाह. अभी इसके बाद का जो ग्रुप है ये 15 तारीख को जाएगा इंशाल्लाह, 15 नवंबर को, जिसका हमने रेट रखा है 70 हजार रुपया. और ये इकोनॉमी क्लास का है और डिलक्स जो है वो 82 हजार का है. तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमको इसी तरह तरक्की दे और हम हाजियों की खिदमत करते रहे और अल्लाह हमको नजरबंद से बचाए. ब्यूरो रिपोर्ट, माई टीवी न्यूज मराठी, अहमदनगर.